हाउ टू फिक्स वन प्लस नाइन आर जी पी एस नोट टर्निंग ऑन प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वन प्लस के डिवाइस में जी पी एस नॉट टर्निंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आपका जी पी एस ऑन नहीं हो रहा है ठीक है तो आपको कैसे करके प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो के सार अंत तक बने रहिए सारे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है आप यहाँ पे ऑन करके देखिए अपने जीपीएस को ठीक है जब लोकेशन ऑन करते तो आपका जीपीएस ऑन हो गया है ऐसा ऊपर में शो करेगा और ये जो है ब्लू कलर का हो जाएगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से ये काम करते हैं तो जब जीपीएस ऑन होगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जी को आप यहाँ पर बंद कीजिए ऑन कीजिए बंद कीजिए ऑन कीजिए और देखिए ठीक है उसके बाद दोस्तों आप मोबाइल को भी रिस्टार्ट करके देख सकते हैं अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन पे जाना होगा ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है सेटिंग पर जाना है सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे सिस्टम पर क्लिक कीजिए रिसेट ऑप्शन पे जाइए रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पर क्लिक करके रीसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए और अपना मोबाइल पासवर्ड भर दीजिए मोबाइल पासवर्ड भरने के बाद आपको बैक करना है उसके बाद दोबारा से चेक करके देखना है अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो चलिए दोस्तों एप्स एंड नोटिफिकेशन पर जाते हैं और यहाँ पे सी ऑल एप्स पर जाके चेक करते हैं पहले तो हम थ्री डॉट्स में क्लिक करेंगे शो सिस्टम कर देंगे उसके बाद सर्च करेंगे ठीक है लोकेशन एल ओ सी ए आई ओ एन लोकेशन तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोकेशन का ऑप्शन आ चुका है तो लोकेशन सर्विस पर हमें जाना है स्टोरेज पर क्लिक करना है क्लियर स्टोरेज करके ओके कर देना है ओके करने के बाद आपको बैक करना है उसके बाद लोकेशन हिस्ट्री आपको मिलेगा ठीक है एल ओ सी ए लोकेशन हिस्ट्री तो उसमें जाइए और इसको भी आप यहाँ पे चेक कीजिए इसका डेटा वगैरह है तो डेटा को डिलीट कर दीजिए ठीक है एंड आपको बैक करना है उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखना है अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होते प्रॉब्लम सॉल्व तो मोबाइल को सेफ़ मोड पे रिबूट करें उसके लिए पावर बटन को प्रेस एंड हॉल करना है पावर ऑफ के स्विच को दो सेकंड क्लिक करके रखना है और ओके कर देना है इससे मोबाइल सेफ़ मोड पे रिबूट हो जाएगा बाई एनी चांस इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो जाइए सेटिंग स्क्रॉल डाउन सिस्टम और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सिस्टम अपडेट पर और सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है सॉफ्टवेयर अपडेट करते ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं लेकिन इसके बाद भी बाई एनी चांस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो आपको सिस्टम पर दोबारा से जाना है बैकअप एंड रिसेट प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना है आप यहाँ पे जाइए इरेस ऑल डेटा पर और इरेस ऑल डेटा पे क्लिक करके मोबाइल पासवर्ड वगैरह भर के आपको सिंपली इरेज कर देना है सारे डेटा इरेज करने के बाद आप दोबारा से चेक करके देखिए सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आइकन को क्लिक करें अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेकआउट कर सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही थैंक्स फ़ॉर वॉचिंग